कि एक आदमी हाईकोर्ट चला गया, उसको आप जो है अधिकारी मानेंगे, हकदार मानेंगे। जो गरीब आदमी हाईकोर्ट नहीं जा पा रहा है उसको आप हकदार नहीं मानते हो, तो ये गरीबों के साथ ये भी अन्याय होगा। हाईकोर्ट वालों को भी दीजिए, जो हाईकोर्ट नहीं गए हैं उनको भी शामिल करिए। वो दोबारा जमा करने की बात उन्होंने कही है, लोग जमा करते हैं, जो और नए फॉर्म जमा हो उनको भी आप संज्ञान दें। तो इस पर जरूर जो हो अपनी टिप्पणी और बात माननी उच्च न्यायालय देना जाना कोई उचित नहीं है। हमारा जो विचार है, जो लोग जितने लोग बचे हुए हैं एप्लीकेशन दें, तो जिस सेक्टर में चाहते हैं हम वहाँ जमीन तलसवा रहे हैं, और जमीन तलसवा करके वहाँ या उसके आसपास जहाँ भी उपलब्धता होगी वहाँ बेंडिंग जोन आपको दिया जाएगा। ये बिल्कुल एकृत संकल्प है इसके लिए अथॉरिटी, और निश्चित तौर पे आपको दिया जाएगा। कोई गलत चीज हम कहें, गलत आश्वासन दें तो उचित नहीं है मेरे विचार से। न्यायालय की चीजों का हम लोग शर्मा जी बिल्कुल पालन करेंगे, और आपने आज ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन पर 2-3-4 दिन में हम लोग विचार कर लेंगे। 2-3-4 दिन में इसको हम लोग विचार करेंगे। अभी अचानक मैं कोई निर्णय आपको कह दूं न करा पाऊं तो उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि करीब 4-6 महीनों से आप लोगों के लिए बेंडिंग जोन की स्थापना की बहुत जबरदस्त तैयारियां यहाँ चल रही हैं। निश्चित तौर पर आने वाले 1 महीने के अंदर आपको दिखेगा। ये हमारी सीईओ मैडम का बिल्कुल स्पष्ट वो है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे जब वार्ता हो रही थी। निश्चित तौर पर बेहतर जगह और बड़ी जगह भी हम देख रहे हैं कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा हम वेंडर्स को समायोजित कर सके। जुलम है हमारे साथ, क्योंकि एक रैली को बनवाने में 10,000 से लेकर 20,000 रुपए लगता है। एक साल का ब्याज नहीं है, वहाँ रोज का ब्याज भरता है। आप उसको तोड़ देते हैं वो उस ब्याज को भी भरेगा, भुखमरी के कंगार पे पहुंच जाएगा, और उसके हालत क्या होगी वो अंदाजा सब लोग लगा सकते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, और वो चीज स्थिति अराजकता को भी पैदा करेगी। क्योंकि जिस तरह शुरू हुआ है, अभी कई बाजारों के अंदर फुटपाथ के दुकानदारों नहीं बनाना चाहते हम नक्सलवादियां, तो वो स्थिति ना कायम की जाए कि लोग अपने पेट के लिए दूसरा रास्ता अपनाना शुरू कर दे। तो मैं सब साथियों की तरफ से, सारी एसोसिएशन की तरफ से, सारे पथ विक्रेताओं की तरफ से, दोनों सीनियर अधिकारियों से मेरी अनुरोध है, कही है ये हमें अथॉरिटी की तरफ से हमारे ज्ञापन के उसमें संज्ञान लेते हुए हमें एक आश्वासन लेकर आप दे दें कि वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। जो उसमें कमियां हैं जैसे जिस स्तर पर उनका शीघ्र जो समाधान किया जाएगा। 1 महीने के अंदर परमानेंट रूप से सबको बसा दें। अब इस आधार पर आप कहें कि हमें फिर से लगाने दिया जाए, ये जब आया इसीलिए गया है कि आपको बसाया जाए। भाई जो नियम है उसके अनुसार आपको हाईकोर्ट से मतलब नहीं, जैसे 7,500 फार्म आ चुके हैं आपके, जो भी 7-8 हजार जो भी लोग, आज एक बहुत बड़ा चंक जो है, एक बहुत बड़ा चंक मैदान इस चीज के लिए परीक्षण करवाने के लिए मैडम ने भेजा। ये जो बताए हैं ये गलत नहीं, ये तो मतलब नियमानुसार लैंग्वेज में बोल दिए। मैं असलियत बता रहा हूँ आपसे कि आपको, आप खुद देखिएगा ये 25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जो रिजल्ट है इसका हाईकोर्ट से मतलब नहीं,
ये जमीन हम लोग दे चुके हैं और आपके आश्वासन से आपके उसके आंदोलन का जो अधिकार का होता है उस आधार पे हम आपको पार्टी दे रहे हैं। ये नहीं केवल निगेटिव बात, मैडम ने कहा ये बता दीजिए कि केवल ये तोड़ फोड़ नहीं, हम पार्टी में भी उनको बसा के दिखाएंगे। और ये आपकी आपके सामने कितने दिन के लिए कहा है उन्होंने? एक महीने में उन्होंने कहा कि बेंडिंग जोन का फल नियत करके हम आप लोगों को वहाँ स्थापित कराएंगे। वक्त की जरूरत रहेगी, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, बहुत सकारात्मक बातचीत हो रही है, बातचीत को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया।